हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या दे रखा है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है। इससे पहले वीडियो भी प्रोजेक्शन वाला था, उसमें हमने फार्मूला ड्राइव भी किया था कि किस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे। प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या होता है कि अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन होगा उसको इस तरह से लिखेंगे, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। होता क्या है, ये अगर बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, इसके ऊपर से अगर हम लाइट मारे तो इसका प्रोजेक्शन ये आएगा, यानी इसकी जो शैडो आएगी। तो इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब यहां पे ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, जो आई के कॉफिशियंट्स होंगे, जे के कॉफिशियंट्स होंगे, के कॉफिशियंट्स होंगे, उनके मल्टीप्लीकेशन का सम करना है। आई का वन है, यहां पे सेवन है, तो वन इंटू सेवन प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस उसके बाद में सेवन इंटू एट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट सेवन स्क्वायर प्लस माइनस का वन स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर। ये हो जाएगा सेवन माइनस थ्री प्लस सेवन एट जा 56, और यहां पे अंदर क्या आएगा, 49 प्लस वन प्लस 64। और इसको हम लोग ऐड या ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सेवन में से थ्री गया फोर, 56 में फोर ऐड करेंगे 60, और ये नीचे क्या आएगा हमारा, 4 प्लस 9 13 का 3 1 बचेगा, 6 प्लस 4 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11, तो 113 आ गया नीचे। और यहाँ पे ये 1 भी है तो ये हो जाएगा, 1 और ऐड कर देंगे तो ये 114, तो ये 60 अपॉन अंडर रूट 114 आ गया, और यही हमारी लेंथ हो जाएगी, यही हमारा प्रोजेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।